What's up guys, my name is Parul and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट बेस्ट जॉब्स इन कनाडा, टॉप जॉब्स इन कनाडा दैट आर गोइंग टू हेल्प यू टू बिकम अ मिलियनियर। अब मिलियनियर वो होता है जिसके पास मिलियन डॉलर होते हैं, और कनाडा के अंदर अगर आप एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं एज एन इमिग्रेंट, तो इट इज़ पॉसिबल टू बिकम वन। एंड एक्चुअली इट इज़ पॉसिबल टू बिकम वन इन योर 20s इफ़ यू डू इट राइट वे, यू नो, इफ़ यू आर ऑन अ पाथ वे एंड यू आर मोटिवेटेड। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, यहाँ पर मिलियनियर बनना आसान है। यहाँ पर एक सर्वे किया गया था जिसमें यह बताया गया था, लोगों से बात की गई थी टॉप 20% से, कि वेल्दी पीपल से, कि हाउ डिड यू बिकम अ मिलियनेयर। तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट थिंग दे हैड हायर पेइंग जॉब्स, बट दैट वाज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दे वर फोकस्ड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एट राइट टाइम, दैट्स हाउ दे बिकेम मिलियनेयर। एंड ऑब्वियसली टू सेव एंड इन्वेस्ट यू नीड एक्स्ट्रा मनी, एंड टू गेट दैट एक्स्ट्रा मनी वेयर यू नो यू कैन मैनेज योर एक्सपेंसेस प्लस हैव अबंडेंस ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट एरियाज, यू कैन बिकम अ मिलियनेयर वेरी इजीली। एंड इन कनाडा देयर आर जॉब्स दैट let you do that and pay you well. Yes, you are right, if you have $0 in your pocket and you come here, at one point you can be in a job that can help you to become a millionaire. So zyada time waste nahi karte hain, shuru karte hain ji aaj ki ye video. I'm going to share all the jobs, all the salaries right now, so let's start. Alright guys, तो सबसे पहली जो जॉब मेरी लिस्ट में आ जाती है वो है प्लास्टिक सर्जन्स एंड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। अब प्लास्टिक सर्जन्स वो लोग होते हैं जो कि कॉस्मेटिकली यू नो चेंजेस करते हैं, बॉडी पार्ट्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं, अपेयरेंस चेंज करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, यू नो जिन्होंने एनहेंसमेंट वगैरह करवानी हो, या फिर इंजरी हुई हो, या फिर बर्थ डिफेक्ट हुए हो, इन सभी चीज़ों को फिक्स करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा रोल होता है। और प्लास्टिक सर्जन्स आर हाईली पेड, $200,000 पर ईयर से लेके अप टू $1 million यू कैन मेक डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस फील्ड, गो फॉर इट। अगली जॉब है जी वो है कॉर्पोरेट लॉयर्स। अब लीगल का मैटर है तो आपको पता है कि लीगल मैटर्स हर जगह महंगे होते हैं, इंडिया में भी महंगे हैं, यहाँ भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर्स आर पेड प्रीटी वेल, $200,000 पर ईयर ऑन एवरेज, एंड इट कैन गो अप टू $500,000-$600,000 डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर वर्किंग इन। तो जी अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, कौन सी फील्ड स्पेसिफिकली ज़्यादा पे करती है, तो सबसे पहली है जी वो है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, जिसमें कंपनीज मर्ज होती हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, तो कंपनी need you know lawyers to do all the legal formalities and it's highly paying। और कई बार तो ऐसा होता है कि कितने बड़े बड़े mergers होते हैं तो उस हिसाब से आपको पैसे भी कंपनी वैसे के लॉयर्स को देती है। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट एंड ऑल, तो इसके भी बहुत सारे यू नो आपको पैसे मिलने वाले हैं यहाँ पर। और जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है पेटेंट्स के अंदर, इफ यू आर इन टू पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड यू आर अ लॉयर, गो फॉर इट, $200,000 और मोर, आई थिंक इट्स अ डील, एंड विद इन कपल ऑफ ईयर्स यू कैन बिकम अ मिलियनेयर। अगली जो जॉब आ जाती है वो आ जाती है आर्किटेक्ट्स की, दैट गेट पेड अराउंड $100,000-$500,000 और इवन $1 million डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट यू आर अगेन, बट यस इट्स सिक्स फिगर सैलरी, एंड द मोर स्किलफुल यू आर द मोर मनी यू मेक, और द मोर यू नो बिग प्रोजेक्ट यू आर टेकिंग ओवर। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट कंपनीज यहाँ पर हैं, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट से भी काफ़ी पैसे बन जाते हैं, लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बिगर प्रोजेक्ट जहाँ पर पूरी हाउसिंग कॉलोनी सेट हो रही है, एंड इफ यू आर एन आर्किटेक्ट इन दैट, लेट मी टेल यू, यू गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो इफ यू आर ऑन द पाथवे टू बिकम वन, गो फॉर इट। नेक्स्ट वन इज पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, एंड यू कैन मेक अराउंड $100,000-$300,000 ऑन एवरेज, एंड इट कैन गो बियॉन्ड ऑल्सो, एंड इफ यू टॉक अबाउट टाइम, in less than 8 to 10 years you can reach at $1 million compensation mark। basically the good pilots here in canada they make around $300 per hour or average $200 per hour to ban hi jata hai, so if you are thinking to become one, go for it, highly rewarding। अगला जो आ जाता है जी वो मेरा फेवरेट है, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, दे कैन मेक अप टू $100,000-$300,000, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, एक्सपीरियंस, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इट कैन गो बियॉन्ड ऑल्सो, तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स यू कैन बिकम अ मिलियनेयर इफ यू चूजिंग दिस फील्ड। आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट दिस टॉपिक फॉर आवर्स, सो इफ यू वॉन्ट अ डेडिकेटेड वीडियो लेट मी नो इन कॉमेंट्स एंड आई कैन मेक वन। बट येस, साइबर सिक्योरिटी इज़ अ गुड फील्ड, इफ यू आर कंसिडरिंग, गो फॉर इट, $300,000, $200,000, $100,000, मैंने काफ़ी ऐसी सैलरीज सुनी है, एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स आई हैव हर्ड दे इवन मेक $300, $400, $500 पर आवर, सो यू शुड कंसिडर इट, गो फॉर इट।
The next one is marketing managers who make around $250,000 or more, depending on what kind of company you are in. Again, this clause applies because the bigger the company, the bigger the budget is, the bigger the compensation is. But $250,000 can be done. For example, marketing director of Coca-Cola makes around $250,000-$300,000 per year, plus benefits, plus aur bhi badi sari cheezein hoti hain, equity options hoti hain. So decently, you can be on a pathway to become a millionaire if you are into marketing. So go for it. The next one is investment banking and hedge fund managers. अब investment banking और hedge fund managers के बारे में, investment का तो आपको पता होगा, but hedge fund का थोड़ा सा quickly बता देता हूँ. Rich people come together and they pool all the money, you know, and then the hedge fund managers जो होते हैं, ये लगाते हैं पैसा market के अंदर. तो it is one of the highest paying jobs of this video, around $2.5 million per year or more, depending upon the portfolio you are carrying and the amount of investments you have. Some people even make 100, 200, 300 million dollars per year. It can take some years to reach at that level, but again, the pathway is there, the profession is there, and if you are dedicated, you can do it. I know. So around $2 million to average yahan par bani jate hain badhiya hedge fund managers ke. It's a very great deal. Baki agar aap financial ya investment jobs mein bhi ja rahe hain, $100,000 to $400,000 average for the big cities. So yes, it's one thing you can consider if you are into this line. Go for it. The next one is a very famous one, popular one, जिसमें कि मैं बोलता हूँ कि काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन मैंने जो देखी है, is doing really really well. Software engineers, $150,000 or more on average for a good specialized software engineer, and it can go up to, there's no bar, because if you are a software engineer, a developer, a coder, a programmer, you can also ask for stake in the company, and it can be $1 million stake, it can be couple of $1 million stake also if you are a good one, if you are, you know, working with a startup or something. But talking about regular jobs also, you can decently go over $200,000 per year. Big companies like Facebook, Microsoft, Google, Amazon, yahan par 200-300 ka package bade aaram se milta hai if you have few years of experience and a master's degree, or you are a bachelor's in computer science student. So if you are considering to become a software developer, highly highly rewarding in Canada, go for it. High-end sales, the next one, $200,000 or more, and it can go up to $500,000 per year or $600,000 if you're on a decent average. I'm talking about kind of sales, you know, which are high-end, jahan par top-tier sales ke aap consultant ban sakte hain, broker ban sakte hain. For example, jaise real estate ka aapne yahan par dekha hoga, bada tagda business hai, maine pichli bhi ek example mein bataya tha. So real estate brokers also make a lot of money. There are different fields depending upon what kind of sales you are into. Aapko pata hai ki sales mein commissions hoti hain. For example, you're selling a car, there's a commission on that. If you're selling properties, there's commission on that. If you're selling big projects, so if you are into sales, highly highly rewarding, मोटे पैसे बनते हैं. ब्रोकर्स देखो जाकर, उनके घर देखो जाकर, आपको पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है. अगर आप रियल एस्टेट के अलावा किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर सेल्स में भी देर आर कमीशंस इफ़ यू बिकम अ सेल्स मैनेजर फॉर अ बिग कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन और यू नो एनी एस्टैब्लिश फर्म. If talking about pharmaceutical companies, also they give a lot of money on decent sales. Aur yahan par agar aap baat kare sales ki, har jagah pe waise aise hain, but $300,000-$400,000 on decent deals. And if the deal is too big, or if you're working with a very big firm, we're talking about numbers in millions if you are a good sales manager. So real estate, pharmaceutical, software sales, yahan par bahut sare field hain. So if you're good into that, go for it. Next and final one is petroleum engineers who make around $200,000 per year or more. And agar aap check karenge, Alberta mein bahut sari companies hain, yahan par bahut sare pipeline projects chal rahe hain, developing hai ye wale kaam, to companies देती हैं अच्छा खासा पैसा देती हैं. काम ये होता है कि इसमें सारा प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना, माइनिंग और यू नो जो एक्सट्रैक्शन करनी सारी ऑयल की. तो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड एंड हाईली रिवार्डिंग. सो इफ यू आर कंसीडरिंग दिस वन, इट्स अ गुड वन टू टेक. तो हाँ जी दोस्तों, ये थी टॉप 10 जॉब्स इन कनाडा दैट कैन मेक यू अ मिलियनेयर. बाकी इसमें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा, सो विच इट्स नॉट अ मोर ऑफ लाइक यू नो अ प्रोफेशनल जॉब, बट यस, यू कैन बिकम अ यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर. अब यूट्यूबर एंड इन्फ्लुएंसर्स की जो एवरेज होती है, सैलरी होती है, वो होती है $0. नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन यूट्यूबर में, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, एवरी वन कैन स्टार्ट, तो ये भी एक स्पेस है. यू नो वी आर इन अ फेज वेयर क्रिएटर्स आर मेकिंग फॉर्च्यून्स. यू नो एक टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, तो लोग काम करते थे सारी जिंदगी एक ही फैक्ट्री में लगे रहते थे. उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन आ गया, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में लोग जाने लग गए. आज का जो दौर है ना जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्रिएटर्स का, बिकॉज क्रिएटर्स आर
making crazy amount of money. If you talk about YouTubers in Canada, US or developed countries, जहाँ पर उनकी niche audience यहाँ की है, advertisement यहाँ की चलती है और audience भी यहाँ की है, $0 से आप start करो तो within 2 to 5 years you can actually cross $5 million per year mark if you do it really well and if you know what you are doing and it's literally a millionaire pathway. Secret I'm telling. ठीक है, तो if you are becoming an influencer, that's one thing you can focus on too, on side and choose a profession. Mix कर दो दोनों, ये तो मैं अपनी strategy बता ही रहा हूँ, but ये दोनों काम कर लोगे तो मज़े ही हैं जी, बहुत ही मज़े ही मज़े हैं। तो यही थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul, वहाँ पर फॉलो करो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ मैं वहाँ पर बहुत शेयर करता रहता हूँ। सो गो फॉलो नाउ एंड ऑल्सो कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी जॉब्स हैं जो आपको लगता है कि हाईली पेइंग है कि नहीं है, और इफ़ यू हैव थॉट इन माइंड कि भाई ये वाली पोजीशन अच्छी है कि नहीं, सो जस्ट गो कमेंट। और अगर किसी का ऑलरेडी कमेंट है लाइक करो, तो वो जो भी फील्ड है मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके साथ डिटेल्स शेयर कर सकता हूं, एक और वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं और घर ढूंढ रहे हैं और आपको जगह नहीं मिल रही, यू कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट ऑफ होम अवे फ्रॉम होम सर्विस विच आई हैव स्टार्टेड एंड यू कैन लिव इन द सेम हाउस एज मी। डिटेल्स आर ऑन माई वेबसाइट www.parul.tv और यू कैन ईमेल info@parul.tv टू माई टीम। अगली जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू बुक अ वीडियो कॉल विद मी एंड इफ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, टेक माई ओपिनियन और आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा, वर्किंग इन कैनेडा और सेटलिंग इन कैनेडा, यू कैन ऑल्सो डू दैट। बुक माई कैलेंडर ऑन माई वेबसाइट www.parul.tv। डू दैट नाउ एंड वी कैन टॉक वीडियो कॉल 1-on-1। ठीक है जी, यही थी फिर आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।